नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि दिमाग की लकवे से पीड़ित बच्चों को या कोई भी हो, उनका अधिक से अधिक सामर्थ्य या कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं क्या है चीज़ें। दिमाग की लकवा एक नॉन प्रोग्रेसिव बीमारी है और फिलहाल इसका कोई इलाज भी उपलब्ध नहीं है। दिमागी लकवे के शिकार लोगों के सामने अत्यधिक और भारी भरकम चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन वे अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का भरपूर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और इस तरह अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर पाते हैं। इन दिनों दिमागी लकवे से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कई वैकल्पिक और सहायक उपकरण और सामग्रियाँ आ गई हैं, जिनकी मदद से वे अपनी पढ़ाई लिखाई अध्यापन पूरा कर सकते हैं, अपनी पसंद का क्षेत्र चुन सकते हैं और उसमें योगदान दे सकते हैं और खेल और मनोरंजन गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। इस बात का प्रमाण मौजूद है कि दिमागी लकवे वाले बच्चे की शुरुआती आकलनों से कई आगे निकल जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी पसंद आएगी। यदि आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो का Facebook पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए।